जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का सातवां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुतकृति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुतदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हिमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्व वितान मुझे समझाइए। राजा की धन में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुतदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म हैं और जिनके प्रभाव से राजा हिमांग की मुक्ति हुई, वे यह है, जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान पर प्याऊं लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम ही स्नान कर लेना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊँ आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद, सैया तथा सुगंधित वस्तुओं का दान करना या भोजन दान करना, दिन में न सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल न लगाना, काशी के बर्तन में भोजन न करना, पत्ते पर भोजन करना आदि, यह समस्त धर्म वैशाख मास में करने में उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हिमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति, पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है? इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रीवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल, छायाहीन सीमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त हुआ था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को
वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुध गया और बड़ी पीड़ा हुई थी। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहा करता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया था। मार्ग में रीवा नदी के तट से निकला तो वहीं सीमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा, जो अपनी मांस स्वयं भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भयातुर सा हो उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों कर रहे हो? पिशाच योनि को कैसे प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्त करा दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढाढ़स बधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनंद देश के भूराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञाद के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना, और साथ ही यह संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान भी करे। उसकी ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णुपद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा, फिर थोड़ी देर बाद चीत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापिस जाऊंगा और वहाँ मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रधानता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापिस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्नदान भी किया। तब
भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैं तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्न दान का महत्व बता दिया। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते।